Before starting the numerical, let's have a recap about the relations or conditions जो हमने अपने numericals में apply करनी है. सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो है आपके पास volumetric dilation rate. That is del dot v which is equals to dava u upon dava x plus dava v upon dava y plus dava w upon dava z, right? पहली क्वेश्चन ये हमने डिस्कस की थी. अगर हमें दूसरी क्वेश्चन बॉस ओमेगा जेड विच इज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू 1/2 जेड के बाद हमने डिस्कस किया था एक्स आता है और उसके बाद वाई, तो यहाँ पे वी आएगा और यहाँ पे डब्ल्यू आएगा. सिमिलरली ओमेगा वाई किसके बराबर है 1/2 जेड माइनस एक्स, तो यहाँ पे यू और यहाँ पे W. सिमिलरली ओमेगा Z बराबर है 1/2 डावा X डावा Y, यहाँ पे आप V एंड डावा U. दीज थ्री रिप्रेजेंट्स द X, Y एंड Z कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा I ओमेगा X I प्लस ओमेगा Y J प्लस ओमेगा Z K, राइट. एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं. अगर आपसे पूछ कहा इफ इन द क्वेश्चन इट इज़ डिजायर्ड टू प्रूव द फ्लो इज रियल, सो वी नीड टू सेटिस्फाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन विच इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू डावा यू अपॉन डावा एक्स प्लस डावा वी अपॉन डावा वाई प्लस डावा डब्ल्यू अपॉन डावा जेड इक्वल्स टू जीरो. अगर ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही है तो फ्लो रियल है, अगर नहीं हो रही तो फ्लो रियल नहीं है. आपके पास सवालात में इसमें से दो कंपोनेंट हो सकते हैं या कोई एक हो सकता है या तीनों हो सकते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता. दूसरी बात कि अगर कंडीशन ऑफ इरोटेशनैलिटी अगर आपको प्रूव करनी है, कंडीशन ऑफ इरोटेशनैलिटी, सो इन दिस केस आप ये तमाम तीनों वेक्टर, इन तीनों वैल्यूज को बराबर आना चाहिए जीरो के, राइट. अगर इनमें से कोई एक भी जीरो नॉन जीरो है तो इरोटेशनल फ्लो नहीं है. अच्छा ओके, आगे चलते हैं. रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन निकाला जाए तो वो ओमेगा डॉट होता है, बराबर होता है डावा अपॉन डावा वी अपॉन डावा एक्स प्लस डावा यू अपॉन डावा वाई. दिस इज रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन या एंगुलर स्ट्रेन. उसके अलावा हमने ये तीन चार न्यूमेरिक रिलेशन हैं जो इस्तेमाल होंगे. हाँ यस, वन मोर रिलेशन विच इज इम्पॉर्टेंट इज मटीरियल डेरिवेटिव या एक्सेलरेशन विच इज ए इक्वल्स टू डावा वी अपॉन डावा टी प्लस यू डावा वी अपॉन डावा एक्स प्लस वी डावा वी अपॉन डावा वाई प्लस डब्ल्यू डावा वी अपॉन डावा जेड. सो यहाँ पे ए की वजह से वी आ रहा है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे ए एक्स लिखा हो, एक्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे यू आ जाएगा. यहाँ पे अंदर यू आता है, बाहर यू वी डब्ल्यू रहेगा, राइट. विच मीन्स अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे यू, यहाँ पे U, यहाँ पे U और यहाँ पे U. इसको नीचे इसको आप छेड़ नहीं छेड़ेंगे. अगर फॉर एग्जांपल Y लिखा है तो यहाँ पे V और अंदर यहाँ पे V आएगा, राइट. सिमिलरली सो एंड फोर्थ. तो इस चीज़ को आप अपनी बुक से भी एक दफ़ा रिवाइज कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल. प्लस लेक्चर स्लाइड्स में भी ये मौजूद है. दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. इसमें एक और बात देख लेते हैं कि दिस फर्स्ट टर्म इज़ द लोकल टर्म और दी ये तीन टर्म जो है इनको हम कन्वेक्टिव टर्म कहते हैं, राइट. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सो दिस इज़ अ रीकैप ऑफ ऑल द रिलेशन विच वी हैव कवर्ड सो फार इन द लेक्चर्स. दिस इज वॉल्यूमेट्रिक डायलेशन रेट, दिस इज दीज थ्रीज आर द एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी. इसको हम वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं. दिस इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन. कंडीशन ऑफ इरोटेशनैलिटी अगर आप यू हैव टू प्रूव इट तो यू नीड टू शो दैट दीज थ्री रिलेशंस आर जीरो. यहाँ पे वी यू डब्ल्यू जो भी है ये तमाम एक्स वाई जेड कंपोनेंट है वेलोसिटीज के जो अमूमन आपके पास क्वेश्चन में गिवन होते हैं. और ये जो तीसरी क्वेश्चन है दिस इज इम्पॉर्टेंट. दिस इज एन एक्सेलरेशन बाय मटीरियल डेरिवेटिव. वी फर्स्ट टर्म लोकल टर्म कहलाती है, बाकी तीन टर्म कन्वेक्टिव टर्म कहलाती हैं, जिसमें जो बाहर जो लिखी हुई है यू वी डब्ल्यू इनको आप नहीं छेड़ें, बल्कि जो अंदर लिखी है मतलब यहाँ पे इट वुड बिकम यू 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 इन केस ऑफ ए एक्स, स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल वी इन केस ऑफ ए वाई, डब्ल्यू 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 इन केस ऑफ ए जेड. आई गेस
आई होप अगर आप इसको रिवाइज करने के बाद आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, दैट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, थैंक यू वेरी मच.